हेलो विवान, आज मैंने ट्राई किया है केविन टोस्ट के चिकन नगेट्स। इसको बना इसको आप सिंपली फ्राई कर सकते हैं, और ये जो स्नैक है और ये रेडी टू कुक भी है। आप इसको 3 to 30 मिनट्स में आप इसको कुक कर ले सकते हैं, और आप इसको कौन सा भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई हो, आप इसमें ऑयल यूज करके फ्राई कर सकते हो, या शैलो फ्राई, डीप फ्राई, हाउ यू वॉन्ट यू कैन डू इट। और ये इसका प्राइस मेरे को पड़ा था 260 रुपीज़। और इसमें कितने पीसेस हैं आई डोंट नो। अगर आपने इसको ट्राई किया है और आपने इसको कौन इसके पीसेस कौन किए हैं, और मेरे को यहाँ पर कहीं पर मेंशन भी नहीं दिखा कि मैंने इतना ज़्यादा और नहीं किया। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट मी हाउ इस पीसेस फिनिश। तो देखिए इस तरह से है, इसको अच्छे से ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर हम इसको 2 पीसेस करके, और मैं इसको स्पून पर रखकर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने हाथ से डालने से थोड़ा सा डरती हूँ, क्योंकि ये जो फ्रोजन स्नैक्स होते हैं इसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा ऑयल गर्म होने के बाद, ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होने के बाद इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे कुक होंगे, वरना ये सिर्फ ऊपर से ही जल जाएंगे और अंदर से कुछ भी इसमें कुक नहीं होगा। इसलिए आप इसका ऑयल पहले फुल टेम्परेचर पर कर लें, फिर उसके बाद इसको लो टेम्परेचर पर इसको फ्राई कर लें। ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे और मैंने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक किया। बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट थे, टेस्ट वाइज ही मुझे ओके ओके ही लगे, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, ऐसे ही थे। आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, फॉलो फॉर मोर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।